नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 8 का रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितना GB रैम है और कितना GB इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया गया। तो सबसे पहले मैं इसको ऑर्डर किया हूँ, इसको मैंने पहले खोल चुका है। मैं इसको अलग करता हूँ तो आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8 है, ये मैंने फ्लैश सेल में ख़रीदा था। ठीक है, मैं आप इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है कि ये मोबाइल है, मोबाइल आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक इन्होंने दिया है। इसका जो प्राइस पीछे का देख सकते हो कितना अच्छा दिया गया है, ये नेपथन ब्लू कलर का है। ठीक है, तो इसमें कैमरे आप देख सकते हैं, 4 कैमरे, साथ में फ्लैश भी दिया है। और कॉर्नर साइड का दिखा देते हैं हम, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डब्बे के अंदर। तो डब्बे के अंदर आपको मिल जाता है डब्बे के अंदर इसमें कुछ है, ये है सिम को निकालने वाला इजेक्टर टूल है। ठीक है, बात करते इसमें, ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड दिया गया है किस मोबाइल पे चलाएं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। बात करते हैं इसमें क्या है, तो इसमें आपको हम दिखा देते हैं, एक कवर दिया गया है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये मोबाइल में लगाने बहुत अच्छा लगता है। बात करते हैं इसके डब्बे के अंदर एक दिया एडेप्टर है जो कि 18 वाट का है, जो कि फास्ट चार्जर करता है बहुत, करीब 1-1.5 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज कर देता है, तो बहुत अच्छा चार्जर है। ये है डाटा केबल। ठीक है, तो अभी सबको अलग करते हैं, मोबाइल के बारे में कुछ मैं दिखाता हूँ कि मोबाइल ये है कैसा। तो इस मोबाइल का मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये मैं ओपन कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैमरा किस तरह का है। ठीक है, इसमें कैमरा की क्वालिटी क्या है, इसमें अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, पहले कैमरा टेस्ट करा के मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फीचर्स और इसके प्राइस में बता दूंगा। ये देख सकते हैं, तो मैंने कुछ फ़ोटो लिए हैं, नाइट के समय में लिया है, तो आप देख सकते हैं। कितना अच्छा क्वालिटी से आया है, जूम करके भी देख सकते हैं, मैंने नाइट में लिया है। तो कैमरा जो इसका है 48 मेगापिक्सल तक दिया है और फ्रंट कैमरा इसका 13 है, तो बहुत अच्छा कैमरा दिया है। तो कैमरा देख सकते हैं आप, ऐसे इस जब को मैंने यहाँ रखा तो बहुत अच्छा कैमरा है, और फ्रंट कैमरा भी 13 दिया है। अब बात करते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का, तो कैसे कितना जल्दी काम करता है देखिएगा। ये मैंने टच किया, ये देखिए बंद है, ये मैंने टच किया खुला, फिर बंद करते हैं, फिर टच खुल गया। तो ये बहुत अच्छा, बहुत फास्ट कर रहा है फिंगरप्रिंट काम इसका, देखिए टच किया ये खुल गया, तो बहुत फास्ट कर रहा है फिंगरप्रिंट काम। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर्स देख लीजिए, नीचे दिया है 18 वाट का चार्जर। ठीक है, और यहाँ दिया है माइक्रोफोन लगाने के लिए, ये फिंगरप्रिंट हो गया, फ्लैश हो गया, कैमरा चार्ज दिया है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कितना प्रोसेसर है। तो इसके हम प्रोसेसर की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इसका प्राइस दिया है 12,999 रुपये, लेकिन एक्चुअल में ये अमेज़न पे जब फ्लैश सेल में लॉन्च हुआ था पहली बार, तो सबसे इसका 10,000 रुपये इंडियन में रखा गया था। तो 10,000 में आपको आराम से अभी भी अवेलेबल है इसका स्टॉक, तो आप अमेज़न वेबसाइट पे जाके आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर रेडमी नोट 8, और इसमें बताते हैं कुछ फीचर्स। तो इसमें जो फीचर्स हैं, इसमें करीब 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉयड प्रोसेसर की बात करें तो 665 स्नैपड्रैगन है, एंड्रॉयड पाई वर्जन 9 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं, तो इस डिटेल को देखिए, गोरिल्ला ग्लास पूरा है। ठीक है, नॉच 6.3 इंच का है, पूरा डिस्प्ले है।
तो ये तो मैंने यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास लगवा लिया है, तो ये देखने बहुत अच्छा है। ये स्क्रीन गार्ड नहीं है, स्क्रीन गार्ड की तरह एक आता है जो कि पूरा यहाँ देखिए यहाँ बीच में रेडमी लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे भी लगा हुआ है मेरा ग्लास, ठीक है। तो इस तरह ग्लास आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये ओरिजिनल है, तो इस तरह लगा सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि इसमें कि दो सिम लग जाएंगे, नैनो सिम लगेगा जो कि एकदम छोटा कट के आता है, तो प्लस एक मेमोरी कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो काम कर रहा है बहुत तेज कर रहा है, बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है, 10,000 रुपये के रेंज के में बहुत अच्छा। और इस मोबाइल को बेसिकली मैं खरीदा हूँ कि ताकि पबजी खेला जा सके, ठीक है। तो ये पबजी के लिए भी बहुत अच्छा मोबाइल है, इसका पबजी टेस्टिंग टेस्ट भी मैं करके आपको दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो को अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अगर आपको चाहिए कि इसका रिव्यू और कि इसमें गेम कैसे चलता है, तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सजेशन लिखिएगा कि हमें चाहिए इसका गेम टेस्ट दिखाने की, ठीक है। तो मैं आपको गेम टेस्ट इसमें करा के दिखाऊंगा कि पबजी चला के दिखाऊंगा कैसा चलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। ये फ्रंट कैमरा देखिए यहाँ पे दिया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको पबजी टेस्ट करा के दिखाएंगे अगले वीडियो में।